गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को 112 ये पेज का जो है सब्ट्रैक्ट वंस, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग वंस है तो सो इसका है आज मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ओके। सो मैंने अभी इधर लिखा है, देखो आप लोग, टेंस एंड वंस ना। तो टेंस मतलब पता है ना कितना टेंस है इसमें, यानी टेन होने से, जैसे हम लोग एक बंडल में अगर टेन रखेंगे, टेन स्टिक रखेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन टेंस, ठीक है, ऐसे टेंस। और ये है वंस, वंस मतलब सिंगल होता है, टेंस मतलब टू डिजिट होता है ना। सो अभी देखने देखो, जैसे सेवन टेंस एंड सेवन वंस और माइनस सेवन, ठीक है, यानी सेवन 77 को 7 से क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले हम लोग देखो आप लोग अच्छे से, 7 का नीचे कितना है, 7। तो आप लोग को सबको मालूम है 7 माइनस 7 इक्वल कितना होता है, 0, ठीक है। 7 माइनस 7 कितना हुआ, 0, यानी मैं करके दिखाती हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और नीचे कितना है, 7। तो 7 को हम लोग को काटना पड़ेगा तभी वो माइनस होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तभी इसमें कुछ नंबर है, नहीं है, तो नंबर नहीं होने से क्या होगा, 0। तो ये 7 में देखो नीचे कोई भी नंबर नहीं है, सो क्या करेंगे हम लोग, यही नंबर नीचे लिखेंगे, ओके। तो ये कितना मिला हम लोग को, 70, ओके। तो 77 को 77 के साथ 7 माइनस करने से हम लोग को कितना आंसर मिला अभी, 7070, ठीक है। तो अभी देखो ये अच्छे से देखो, ये भी मैं करके दे रही हूँ आप लोगों को, 686 है, ठीक है, 8 टेंस एंड 6 वंस है ना। तो अभी इधर देखो, 8 का नीचे कोई भी नंबर नहीं है और 6 का नीचे कितना नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है। तो पहले देखो आप लोग 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी 6 नंबर हो गया, नीचे कितना है, 4, तो 1 2 3 4, तो हम लोगों ने 4 को क्या किया, कट कर दिया है ना। तो ना कितना नंबर बचा हम लोग के पास, 2 नंबर, यानी 2, ठीक है। तो 8 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, सो 8 को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे नीचे लाएंगे, ओके। तो अभी देखो 77 के साथ मैंने 7 माइनस कर दिया, 70 मिला, 86 के साथ हम मैंने 4 माइनस कर दिया और हम लोग को कितना मिला, 82, ओके। तो ऐसे करके आप लोग पेज नंबर 112 इसको अच्छे से देखना, मैं और एक करके दे रही हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। अभी मैं आप लोगों को ये दूसरा वाला करके दिखाती हूँ, ठीक है सर, ओके। आई थिंक ये दोनों जो मैंने कर दिया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं 98, ठीक है, अभी आप लोग के 98 माइनस 4, तो ये मैं करके दिखाती हूँ। अभी देखो 8 माइनस 4 है ना, तो 8 के साथ क्या करना है, अभी 4 को माइनस करना है ना। तो 4 को माइनस करने से हम लोग, अभी देखो आप लोग 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 नंबर। अभी कितना सा माइनस करना है हम लोग को, 4 से, देखो 1 2 3 4, हम लोगों ने 4 नंबर काट दिया, अभी कितना है, 1 2 3 4 है ना, 4। अभी 9 में देखो कोई भी नंबर नहीं है, सो 9 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नीचे लाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखो आप लोग पेज नंबर 114, ठीक है। अभी मैं पेज नंबर 114 का करने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देखना है, ओके। ठीक है,
इसमें क्या है, स्टोरी है, ठीक है। मैं पहले आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ, इसके बाद इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, पहले है वन में दिख रहा है आप लोग को, यह पेज नंबर 114 आप लोग के पास है, ठीक है। क्या बोला है, मधु हैड 12 कलर, ठीक है। मधु हैड 12 कलर पेंसिल्स, हर फ्रेंड गेव हर 2 मोर, ठीक है। हाउ मेनी कलर पेंसिल्स डज सी हैव नाउ, ठीक है। मधु के पास कितना कलर था, 12, ठीक है। हर फ्रेंड गेव हर 2 मोर, तो उसका फ्रेंड ने क्या किया, और डोज उसको दे दिया। तो हाउ मेनी कलर पेंसिल डज सी हैव नाउ, तो उनके पास अभी कितना कलर पेंसिल्स है, ठीक है। पहले मधु के पास कितना कलर पेंसिल था, 12, और उसका फ्रेंड ने उसको कितना दे दिया, और 2 दे दिया। तो अभी उनके पास कितना पेंसिल है ना। हम लोग करेंगे अभी, टेंस वंस पहले लिखना है, ठीक है। पहले कितना बोला, 12, 1 और 2, इसके बाद कितना बोला, और 2, ओके। स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा नोटिस करना, ठीक है। क्या बोला है, मोर मतलब क्या है, ज़्यादा, और गेव मतलब क्या है, देना, है ना। तो मोर मतलब ज़्यादा, इसको और कितना ज़्यादा दिया, 2, यानी इसके पास पहले से 12 था, और इसके बाद उसको उसका फ्रेंड ने और 2 ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो ये होने से, ज़्यादा देने से क्या होता है, उसको दिया है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो अभी देखो, ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। 2 + 2 कितना होगा, 4, पता है ना सबको, 2 और 2, ये ऊपर का 2, ये नीचे का 2, 2 और 2 कितना होगा, 1 2 3 4, है ना, 4, आगे में कितना है, 1। अभी देखो, मधु के पास कितना पेंसिल्स है, कलर पेंसिल्स 14 कलर पेंसिल्स, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर मोर होता है और गेव मतलब देना होता है, तो उसको क्या करना है, हमेशा ऐड करना है, ऐड मतलब प्लस करके दिखाना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सिखा है 13 स्टैम्प्स, प्रिया गेव हर 5 मोर, तो हाउ मेनी स्टैम्प्स डज सिखा हैव नाउ, ठीक है। तो सिखा के पास 13 स्टैम्प्स है, ठीक है। स्टैम्प मतलब पता है ना, जब हम लोग स्टैम्प मारते हैं ना, जैसे कलर से स्टैम्प। तो प्रिया गेव हर 5 मोर, तो प्रिया ने और 5 उसको ज़्यादा दे दिया। तो हाउ मेनी स्टैम्प्स डज सिखा हैव नाउ, तो सिखा के पास अभी कितना स्टैम्प्स है, ठीक है। तो हम लोग कैसे ही करेंगे, ये भी क्या होगा, मोर बोला है और उसने दिया है, ठीक है। उसका प्रिया ने दिया है किसको, सिखा को। सिखा के पास पहले कितना था पेंसिल, 13, ठीक है। और उसका फ्रेंड प्रिया ने उसको कितना दे दिया, और 5 दे दिया। और उसका फ्रेंड ने उसको कितना दे दिया, और 5 दे दिया। तो इससे क्या होगा, ये ऐड होगा, यानी प्लस होगा। तो ये सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये ऐड ही होगा, हाँ। सोल्व है ये, तो मैंने ऐड लिख दिया है, ठीक है। अभी देखो, 5 और 3 और 5, है ना, 3 और 5 देखो आप लोग, 1 2 3, ऊपर में कितना है, 3, नीचे कितना है, 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना मिला, 8, और ऊपर का 1 है, नीचे कोई नंबर नहीं है, सो ये 1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अभी कितना मिला हम लोग को, 18, यानी अभी सिखा के पास कितना स्टैम्प्स है, 18, ठीक है। ऐसे ही आप लोग
इसको पढ़ना है, मैं और एक करके दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले अनीता हैड 14 पेंसिल्स, सी गेव 3 पेंसिल्स टू सुनीता, हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ अनीता। ठीक है, यानी अनीता के पास 14 पेंसिल्स है। ठीक है, अनीता के पास कितना पेंसिल्स है? 14 पेंसिल्स। तो 3 पेंसिल्स उसने किसको दे दिया? अपने फ्रेंड को, फ्रेंड सुनीता को दे दिया। ठीक है, उसके पास 14 पेंसिल्स है और उसी 14 पेंसिल्स से 3 पेंसिल्स किसको दे दिया? अपना फ्रेंड सुनीता को दे दिया। तो हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ अनीता, अभी अनीता के पास कितना पेंसिल्स बाकी है। ठीक है, तो बाकी है बोलने से या लेफ्ट है बोलने से क्या होगा? हमेशा माइनस होता है। ठीक है, सो अभी हम लोग करेंगे इसको, मैं यही मिटा देती हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, और इसको कॉपी में भी नोट करना है। ठीक है, कितना पेंसिल्स है? 14, अनीता के पास 14 पेंसिल्स है और इसको अपना फ्रेंड को कितना दे दिया? 3। ठीक है, और ये दे दिया है ना, इसलिए इसको क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, अभी देखो 4 है ना, 1 2 3 4, ये माइनस है, सो हम लोग इसको कट करेंगे। ठीक, 1 2 3। ठीक है, इसको काट दिया हम लोग, कितना रह गया हम लोग के पास? 1, और ये नीचे आ गया 1। ठीक है, अभी ये देखो अनीता के पास कितना पेंसिल बाकी है? 11 पेंसिल बाकी है, 14 में से 3 पेंसिल अपना फ्रेंड को दे दिया सुनीता को, और अभी उसके पास कितना बाकी है? अनीता के पास 11 पेंसिल उसके हाथ में है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो खाली है आप लोग उसको करके इसमें भरना है और मुझे व्हाट्सएप में इसको दिखाना है। ओके, बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।